भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रकोष्ठ की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में संपन्न हुआ। बैठक की शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। बैठक में भाजपा के 22 क्षेत्रीय प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की एकजुटता और परिश्रम से भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे पीछे की लाइन में बैठे और सबसे आगे की लाइन में बैठे कार्यकर्ता का सम्मान और उपयोगिता बराबर होती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने के निर्देश दिए तथा चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर कार्य करने को कहा। वहीं प्रदेश महामंत्री व गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने पार्टी द्वारा चलाया जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 100 दिन के लिए 100 कार्यक्रम तय किए हैं तथा यह कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक साबित होंगे। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू, श्रवण पांडे, डॉक्टर पंकज सिंह, रामेश्वर कुशवाहा, डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी, रमेश सिंह, डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी, राजा त्रिपाठी, सिद्धार्थ शंकर पांडे, पंकज जायसवाल, अनादि देव पाठक, सौरभ अग्निहोत्री, मार्कंडेय शाही, बंका सिंह, सज्जन मणि त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी ऐसे आदरणीय शिव कुमार पाठक जी, भारतीय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी और राज्यसभा के सांसद हैं, आप सभी का इस मंच पे आसीन सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन मंत्री के रूप में आज पूरे उत्तर प्रदेश में
प्रकोष्ठों का काम देख रहे आदरणीय शिव कुमार पाठक जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, इस क्षेत्र के प्रभारी श्रीमानी अनूप गुप्ता जी, राज्यसभा के सदस्य जयप्रकाश निषाद जी, हमारे क्षेत्र के महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी, और इस क्षेत्र में व्यवस्था की दृष्टि से हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष और समस्त प्रकोष्ठों का आप सबका सहयोग करने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी है, विश्वजीत आशु सिंह आशु जी, इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे गोरखपुर क्षेत्र में निवास करने वाले प्रकोष्ठों के सभी प्रदेश के संयोजक, सहसंयोजक, गोरखपुर क्षेत्र के सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित संयोजक, सहसंयोजक, मैं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश में महामंत्री संगठन के नाते जिन्होंने कमल का फूल खिलाया, पश्चिम बंगाल में भी प्रभारी के नाते जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में और हम सबको सौभाग्य है कि ऐसे संगठक का हम सबको यहाँ पर सानिध्य मिलने वाला है। मैं शिवापुराई गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र में चुनाव प्रभारी के रूप में जिनको नया दायित्व दिया गया है, सम्मानित अरविंद मेनन जी का आप सबकी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर क्षेत्र में विगत दिनों उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 3 श्रेणियों में बैठकें होंगी। तो प्रदेश की बैठक संपन्न होने के बाद सभी क्षेत्रों में 4 प्रकार की बैठकें रखी गई हैं। आज गोरखपुर क्षेत्र के सभी विभाग और प्रकोष्ठ कुल मिला जुला करके 28 विभाग और 18 प्रकोष्ठ, ये हमारे आज विभाग और प्रकोष्ठों की बैठकें हैं। जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के संयोजक, सहसंयोजक और सभी 12 जिलों के संयोजक और सहसंयोजक आज की बैठक में भागीदार हो रहे हैं। दूसरी, ये 2 दिनों की पूरे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो बैठकें होने वाली हैं, कल भी हमारे गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है, जो हमारे क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी और हमारे इस गोरखपुर क्षेत्र में चुनाव प्रभारी की दृष्टि से भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन जी आए हैं और राज्यसभा के सदस्य विवेक ठाकुर जी, इन सब लोग रहने वाले हैं। कल भी गोरखपुर क्षेत्र के सभी क्षेत्र के पदाधिकारी, जिलों के सभी अध्यक्ष और जिलों के सभी प्रभारी, इनकी पहली बैठक होगी। फिर हमारे जो क्षेत्र की चुनाव की संचालन टोली बनी है, प्रबंध टोली बनी है, उसकी बैठक होगी। और सायंकाल 3 बजे कल हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उन मोर्चों के सभी क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक होगी। इस प्रकार ये 4 प्रकार की बैठकें संपन्न करने के बाद फिर हम लोग जिलों में 8 प्रकार की बैठकें करने जा रहे हैं, जो हमारी 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है और सभी 12 जनपदों में समाप्त करने के बाद फिर हम 62 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें नीचे तक ले जाने वाले हैं। बिल्कुल, अभी हमारे 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक केंद्र में 7 वर्ष मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं और उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी उपलब्धियों को लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी घर घर संपर्क करने का काम कर रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी एक बूथ, ग्रामीण विधानसभा के बूथ नंबर 136 पर जाकर के घर घर संपर्क उन्होंने किया है और ये कार्यक्रम नीचे तक ग्राउंड लेवल तक हम लोग लेकर जा रहे हैं।